शबीर साहब आज क्या बना रहे हो तुसी? आज कढ़ाई गोश्त। कढ़ाई गोश्त एक कितना गोश्त पाया ने? एक पतील कितना पास हो? 20 किलो। 20 किलो एक पतीले 20 किलो गोश्त जी। अच्छा ठीक हो गया जी। 14 किलो 15 किलो पतीला है कोल आलो जी। गोश्त पा रहे पतीले ठीक है। पतीले लैण ते पैन ते इधर आवाम जड़ी ये भी लैण ते खली है तमाशा देख रही है। ਜੋ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਗਿਨਾਓ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਗਿਨਾਓ। ਆਓ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੂ ਚਾਹਨੇ ਕੀ ਪੈਨ ਪਕਾਣੇ ਕੀ ਪੈ ਜੀ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਪਕੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪਕੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਕਿਲੋ वजन कम है ना जी? हाँ वजन कम है ना, गोश्त ना वजन ज्यादा है इसना कम है। ये जी लहसुन डाला जा रहा है। अदरक नहीं है? अदरक नहीं है जी। अदरक क्यों नहीं डाल रहे? बस अदरक की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है? नहीं। इसकी क्या वजह है यार? ये जी टमाटर आ गए। टमाटर अभी कितने पा रहे हो टमाटर? तकरीबन 2-2 किलो जी। 2-2 किलो एक पतीले टमाटर जी। हल्दी सट रहे हो जी? हाँ हाँ खून सारा बन जाओ। और सर के सड़ रहे हो? मिर्चा सुरख मिर्च जी। सुरख मिर्च हल्दी तो सुरख मिर्च कितनी तकरीबन? आध पाव। आध पाव दो में नहीं, हल्दी जरा छुटा की है तो मिर्च आध पाओ। मिर्च आध पाओ ये जी। नमक नमक डाल रहे हैं अखलाक भाई। इसमें शबीर साहब 5 किलो पानी कितना कितना पानी पहने हो जी? 5 किलो जी। 5 किलो पानी 10 किलो मंडी आने हो? हाँ अच्छा फ्रेंड इसमें ये सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, जितने भी मसाले हैं प्याज टमाटर हल्दी मिर्चें पानी सब कुछ डाल दिया गया है और अभी इसकी बुनाई होगी। आगे देखते हैं फिर क्या सीन है। अच्छा ये फ्रेंड्स इन्होंने बीच में गोश्त और ये कोई गजड़ी सी डाली है, ये पूछते हैं लहसुन अदरक साबुत धनिया सौंफ। अच्छा ये आप यखनी बना क्या बना रहे हैं आप? ये पुलाव बना रहे हैं। पुलाव बना रहे हैं। अच्छा पुलाव के लिए ये आप तैयार कर रहे हैं? ठीक है ठीक। पतीलों में सारी चीजें डाल दी गई हैं
और आग लगाने के बाद ऊपर इस पे ढक्कन चढ़ा दिया गया है।